हाय, हेलो एवरीवन, हेलो भावना जी, हेलो पद्मजा जी, हेलो दीपा जी, वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे आल्सो। कैसे रहा आप लोग का संडे? हेलो अरुणा जी, सो क्राफ्ट कर रहे हैं आप लोग? नेम प्लेट बनाया है जयपिका जी ने, आई थिंक ना, बहुत सुंदर बनाया है। हेलो दीपा जी, हेलो मलाती जी, हाउ आर यू? सो मैं पहले एक चीज बता देती हूँ। ये पीकॉक रिलीफ का जो था, आई हैव टोल्ड यू कि इसको प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर है एंड आई हैव डन दिस ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फिनिशिंग बाकी है। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका बहुत सुंदर पीस है ये, 14x14 में, और बहुत अच्छा अलग डिजाइन है बिल्कुल। एंड काफी सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है और आप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत प्यारा पीस है। एंड जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू अरुणा जी, हेलो श्वेता जी, हेलो पद्मजा जी। आज हम नेम प्लेट बनाएंगे। उस दिन मैंने बताया था सम पार्ट इज डन, सम पार्ट इज बाकी है अभी रिमेनिंग। सो ये देखिए, ये वाज बनाना मैंने बताया था कि इस शेप में आप यहाँ पे वाज बना सकते हो। हेलो नेहा जी, थैंक यू सुनीता जी। और ये मैंने अल्फाबेट कैसे लिखना है क्ले से। हेलो बढ़िया जी, हेलो दिबीना जी, ये मैंने बताया था उस दिन कि नेम कैसे लिखना है। मैंने मोल्डेड यूज किया है, आप कोई डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आई लव मोल्डेड एंड द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू दिपना जी। एंड दिस साइड ये प्लांट जैसा है, लाइक झाड़ है, झाड़ की दड़िया बनाई मैंने। मैं इस पे फ्लावर स्टिक करने वाली हूँ। सो आई हैव यूज कोल्ड पोर्सिलिन क्ले टू मेक फ्लावर्स। थैंक यू सो मच नेहा जी, आप लोगों का बड़प्पा नहीं है तो ओके। तो आप एक बार ही शेयर भी कर दीजिए सब लोग, ताकि और लोग भी देख सके और लोग भी सीख सके, अच्छा अच्छा क्राफ्ट बना सके। तो एक बार आप शेयर कर दीजिए वीडियो, हम रुके हैं। सो एंड यस, वन मोर थिंग, एज आई हैव टोल्ड कि जो भी शेयरर्स रहेंगे दे विल गेट सम डिस्काउंट इन द क्लासेस एज वेल, लाइक दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, जस्ट द ओनली थिंग। अब आप लोग मेरे लिए अगर शेयरिंग कर सकते तो थोड़ा बहुत मैं भी कर ही सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई जस्ट टेलिंग कि शेयर कीजिए वीडियो एंड डिस्काउंट लीजिए। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो सी, आई हैव ऑलरेडी मेड सम क्लास। और ये कैसे बनाए हैं ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ फ्लावर्स का कुछ जो है। हेलो सोनल जी, ये देखिए वाज में जो है हम डंडियों के साथ फ्लावर्स रखने वाले हैं। तो सी दिस इज अ फ्लावर, ये है एक, एंड इसका आप लीफ देख सकते हो, ये देखिए लीफ। आई डोंट नो कि आपको लाइन्स दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट आई होप कि आपको दिखे। एंड आई हैव यूज द सेम मोल्ड जो मैंने वो महीने भर पहले बनाया था, आई थिंक वही सेम मोल्ड है ये, उसी से मैंने बनाए हैं। सो ये देखिए, ये है लीफ और ये है फ्लावर, ठीक है।
I have used cold porcelain clay to make flowers. Another one is C. This is another one which is again created with, all the flowers are made with the cold porcelain clay only. And see this one. And some are ये, देखिए ये है ऐसा कोन शेप में एक है, पूरे काटे काटे है इसको, और ऐसे आप राउंड में भी बना सकते हो, मैंने कोनिकल शेप में बनाया है. सो ये देखिए इसके छोटे 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 स्पाइन्स जैसा बनाया है इसको. एंड इसका भी वीडियो मैंने अपने पेज पे डाला हुआ है, सो यू कैन चेक. थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सोनल जी. सो दिस इज अनदर टाइप. वाज है तो वाज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स रखते हैं, सो आई हैव ट्राइड टू मेक सम. एंड दिस इज अ रोज, बर्ड बोलेंगे, मैंने बर्ड ही बनाया है, फ्लावर नहीं बनाया है पूरा, ये बर्ड है. एंड दिस इज कैलिक्स. हेलो इलम जी, वेरी गुड इवनिंग. एंड दिज आर द लीव्स. रोज के लीव्स मैंने वैसे नहीं बनाए हैं, ऐसे ही बनाए हैं, क्योंकि बताऊंगी मैं इसका भी रीजन. सो आई हैव मेड दिस काइंड ऑफ लीव्स, सेम ही लीव्स बनाए हैं सब में, थोड़ा बहुत साइज में इलांगेटेड साइज है किसी का और किसी का छोटा साइज है. और लीव्स बनाना भी मैंने बताया है और उसका मोल्ड बनाना भी मैंने बताया है, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर. थैंक यू कृष्णा जी. सो दिस आर, एंड फॉर दिस पार्ट, ये तो हो गए डंडी वाले फ्लावर्स जो हम वाज में रखेंगे. और यहां पर जो हम लगाएंगे उसके लिए मैंने, आई हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ फ्लावर. ये देखिए ये ऐसे है और डाई कलर्ड है, एंड बीच में पोलर्स लगाए हैं मैंने थोड़े थोड़े. हाय अनुराग जी, कोई नहीं, बस उस दिन का नेम प्लेट ही कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. ये देखिए ऐसा है, इसमें बर्ड बनाए हैं, बर्ड का लाइक दिस, इस तरीके से बर्ड बना सकते हो आप जो एकदम ही छोटे हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हो जिसमें ये देखिए थोड़ा थोड़ा लीव्स भी है, लाइक थोड़ा खुला हुआ है और थोड़ा नहीं खुला हुआ है, आधा खिला हुआ बोलेंगे जिसको हम. सो दिस इज, इस तरीके से ये बर्ड्स भी बनाए हैं हमने. सो इसमें से ऑलमोस्ट ऑल दी फ्लावर्स आई हैव टॉट, ओनली दिस बर्ड्स आर रिमेनिंग आई थिंक. मैंने बाकी सारे फ्लावर्स बताए थे, और बर्ड्स बनाना भी बहुत आसान है. सिंपली आई विल शो यू, मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ अच्छे से. और अगर फ्लावर्स पसंद आए, नेम प्लेट पसंद आए, तो लाइक्स और कमेंट्स तो कर सकते हो, अच्छा लगता है. हेलो गीतांजलि जी, सी ऐसे बनाना है पहले आपको, लाइक एसी चालू कर दो प्लीज. सर्कल बनाया, ठीक है, फिर मैं यहीं से पकड़ के आपके सामने ही ऐसे ऐसे कर रही हूं इसको, एक साइड से बिल्कुल ऐसे, ठीक है. तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, पीछे से थोड़ा सा कोनिकल हो जाएगा. दिस पार्ट हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग के लिए, हमको कुछ नहीं करना है इससे, होल्डिंग के लिए बना रहे हैं हम ये. एंड अपर पार्ट में आप क्या करोगे, एक टूल होता है ये वाला, इस शेप का, लाइक बर्ड्स बनाने के लिए यू नीड टूल्स उतने अच्छे. अगर वैसे बर्ड्स बनाने हैं तो फॉर दैट यू नीड टूल्स. सो दिस काइंड ऑफ टूल ये है, मैं थोड़ा सा, मुझे
पूछा था कि कोल्ड पोर्सिलिन में फिनिश करना है तो क्या यूज करें, तो यू कैन यूज प्लैटिनम पाउडर। मेरा थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है आज के लिए, तो मैं ये पाउडर लगाया मैंने इसको, और इसको बिल्कुल ऐसे सेंटर में धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे अंदर डालिए, फिर बाहर निकल लीजिए, दोबारा से अंदर डालिए, फिर बाहर निकाल लीजिए। मेरा थोड़ा स्टिकी हो रहा है तो मैं एक बार इसको फिर से थोड़ा सा टैल्कम पाउडर में रोल कर रही हूं ताकि चिपके ना अंदर, एंड फिर इसको थोड़ा सा, ये देखिए उल्टा कर देती हूं मैं, ऐसे है, मैं इसको थोड़ा सा यहां से प्रेस कर रही हूं ऐसा। थैंक यू नीलम जी। सी ऐसे ऐसे थोड़ा 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 धीरे धीरे आप इसको घुमाते जाइए, एंड ये देखिए अंदर से ऐसा बन जाएगा फिर, ठीक है। ये ऐसे घंटा होने के बाद टेक अ स्मॉल सीजर, दिस स्मॉलेस्ट वन, हेलो सुनीता जी, स्मॉलेस्ट वन, और इससे जितनी आपको चाहिए, लाइक मैं जो ये पार्ट बनाया है इसमें मैंने 4 ही पीसेस किए हैं, तो अगर आपने 4 बनाने हैं तो आप 4 बना सकते हो, और 5 बनाने हैं तो आप 5 बना सकते हो। दो तरीके हैं, मैं दोनों बताऊंगी। छोटे छोटे कट्स लगाने, मैं थोड़ा फैला के बताती हूँ, इक्वल डिस्टेंस पे। सी ऐसे बन गया ऐसा आपका। देन आप क्या करोगे, ये जो दोनों है कॉर्नर्स, ये देखिए ये एक लीफ है, इसके ये दो कॉर्नर्स रहेंगे, इन दोनों कॉर्नर्स को हम आराम से ऐसे प्रेस कर देंगे। हेलो अंदना जी, वेलकम टू एप्लीकेशन ऑल ऑफ यू। जो लोग नए जुड़े हैं एक बार ही वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज। सी ये जो दोनों है, ये एक एक पैटर्न है, इसको मैंने ऐसे प्रेस किया, ओके ऐसे प्रेस करके सबको मैं ऐसे ही प्रेस कर लूंगी। और थोड़ा थोड़ा, ये एकदम सिंपल वाला टूल बॉक्स है नीलम जी, कितने का आ जाए, 150-200 रुपए में ना कहीं भी मिल जाता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत इजीली मिल जाता है, इवन यू कैन बाय इट ऑनलाइन आल्सो। सो यू कैन बाय दिस टूल बॉक्स फ्लावर्स बनाने में। इसके पहले मैंने जो एक सेशन दिया था वो कम्प्लीटली टूल लेस फ्लावर्स थे, उसमें कोई टूल्स नहीं यूज किए थे, बट फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर बनाने के लिए या ऐसे फ्लावर्स बनाने के लिए यू नीड टूल्स, थोड़ा थोड़ा टूल्स चाहिए होता है आपको। सो बहुत सिंपल वाले टूल्स है ये, 12 टूल्स का सेट आता है और बहुत सस्ता भी है, सो यू कैन बाय दिस। हेलो चेतना जी, एंड सी ये हो गया, आपको दिख रहा होगा खुद ही फ्लावर शेप में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब अगर आपने इसको फ्लावर बनाना है तो आप क्या करोगे, एक ये वाला टूल आता है, दोनों साइड ऐसे बॉल जैसा है और ऐसे कर्विकल है, तो आप ये वाला जो टूल है वो यूज करके, ये पैटर्न है, कैसे दिखाऊं, सी ये मेरे फिंगर पे ये जो टच पैटर्न है, मैं देखो यहाँ पे, यहाँ सेंटर में ये बॉल को रख के ऐसे पीछे की तरफ प्रेस करूंगी, ठीक है। सेम वे आई विल प्रोसीड फॉर ईच एंड एवरी पैटर्न। तरीके से आपने, हाँ अनुराधा जी हो सकता है मैंने महंगा ले लिया है शायद, नागपुर ऐसे भी कॉस्टली है सब लोग बोलते हैं, एंड यू प्रूव डेट कि नागपुर कॉस्टली है। हेलो सपना जी, सी और फिर जो भी रहेंगे ना पेटल्स थोड़ा क्रैक दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए ऐसे, और उन्हीं टूल की हेल्प से उनको सॉफ्ट करते जाइए।
मैं एक बना के बताती हूँ आपको पूरा। ठीक है, ये बन गया। हाँ नीलम जी, चाहिए क्लेवर्क के लिए टूल्स रहते हैं तो बहुत सुविधा हो जाती है, ये बात तो सही है। बिना टूल्स भी हो सकता है, बट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है तो यूज करनी चाहिए। सी, ऐसे बन गया। नाउ एज आई हैज, थैंक यू वंदना जी, हेलो अंजलि। मैंने क्या किया था, ये डंडे मोस्टली क्या करते हैं, बहुत सारे लोग तार में बनाते हैं एंड फिर उसको फ्लोरल टेप कवर करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई डिड फॉर दिस, या तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूलिप फ्लावर की आप कोल्ड पोर्सिलिन का बना सकते हो डंडा। आई हैड टू सेव टाइम सो आई मेड दिस विथ, क्या नाम था उसका, मोल्ड इट, आई मेड इट विथ मोल्ड इट, ठीक है। और फिर जिस शेप में मुझे चाहिए थे, मैंने पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके देखा कि मुझे कैसे चाहिए, तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे ये ऐसा अच्छा लगेगा जो भी है, या मुझे ये साइड ऐसे अच्छा लगेगा। सो आई टुक द मेजरमेंट्स एंड लेट इट ड्राई इन द सेम पोजिशन, मैंने उसी पोजिशन में उसको ड्राई होने दिया। मोल्डेड को अगर आप फेक ऑन नहीं लगाओगे तो वैसे भी वो किसी भी सरफेस पे स्टिक नहीं होता है। ये कोल्ड पोर्सिलिन ट्रे है मीनाक्षी जी एंड आभा जी, हाउ लॉन्ग दिस फ्लावर सस्टेन, बहुत लॉन्ग सस्टेन करेंगे, आपने बस वॉर्निश भर लगाना है। देखिए ये मेरे बहुत दिनों से बने हुए हैं फ्लावर्स, और सालों के भी है, लेकिन वो मम्मी के यहाँ है तो वो नहीं दिखा सकती, बट ये है बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं। आपने कौन सा कुश्ती लड़नी है इसके साथ जाके, बस यू हैव टू मेक इट एंड वॉर्निश इट, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर ऑन माय नेक्स्ट डे विद लव टू विजिट इन। थैंक यू कृष्णा जी एंड मोस्ट वेलकम, प्लीज डू कम व्हेनेवर यू कम टू नागपुर, प्लीज कम। सो और है, आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है, ये सारे फ्लावर्स तो मैंने अभी सेशन में ही बनाए हुए हैं, अभी ऑनलाइन सेशन में ही बनाए हुए हैं मोस्टली। सो बहुत दिनों तक रहते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसका, बस वॉर्निश करना मत भूलिएगा, वॉर्निश इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी सपना जी, बिल्कुल चेतना जी, आप कोई भी वॉर्निश कर सकते हो, एनी नॉन येलोइंग वॉर्निश आप इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सो आई वॉज टू टेल यू कि कहाँ की डंडी है, हाँ तो मैंने क्या किया, ये जो है 56 पीपल आर वॉचिंग लाइव, वेलकम वेलकम टू आथिकेशन एंड सी, ये मैंने ऐसे ड्राई करके रख लिया था, हेलो सरिता जी। और अब हम क्या करेंगे, मैं इसको कट कर रही हूँ, आई एम कटिंग दिस फ्लावर, मैं इसे उल्टा करके पकड़ रही हूं अभी, और देखो ये जो पोर्शन है मैंने कट कर दिया ऐसे, ठीक है। नाउ आफ्टर कटिंग दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, एक और टूल होता है हमारे पास, ये वाला, अगर ये नहीं है तो पेंसिल की नोक तो है ही, या सुई है मोटी वाली, मेटी का काम जिससे करते हैं हम, तो वो सब जो भी मिल जाए इसको ना यहां सेंटर से या फिर पीछे से थोड़ा सा पिन कीजिए, थोड़ा सा, सेंटर से मत करिएगा, पीछे से कीजिए, थोड़ा सा पिन किया आपने, एंड ये है, इसको फेविकॉल लगाइएगा। हाँ यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए अभी, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, शुड अप्लाई लिटिल बिट ऑफ फेविकॉल, और ये ऐसे फंसा दिया, फंसा के डन हो गया। आप पीछे की तरफ से इसको ऐसे थोड़ा सा फिनिशिंग दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसे स्ट्रेच करके,
सो दैट वो इस तरीके का लुक देगा। वो डंडी में से निकला है, आप चाहो आई एम यूजिंग राइट नाउ विदाउट वैक्स क्ले नीलम जी, मैं ये कोल्ड पोर्सलिन क्ले यूज कर रही हूं अभी। और ये देखिए इस तरीके से, आप चाहो तो इसको पीछे में कैलिक्स भी लगा सकते हो, कैलिक्स लाइक ऐसा ऐसा कोई पोर्शन अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। और ये भी टूल्स की हेल्प से आप बहुत इजीली बना सकते हो, ऐसे ही करना है बिल्कुल, बस इसको थोड़ा इलोंगेट करके प्रेस करना है एंड यू कैन यूज इट एज अ कैलिक्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे फ्लावर में आराम से ये कैलिक्स का काम कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गया। ओके सो ये हो गया एक फ्लावर, देन अनदर वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बर्ड। अगर काम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट प्लीज कीजिएगा। और बुद्ध और शिवा की क्लास ज्वाइन किया आप लोगों ने, स्टार्ट हो गई है वासे ट्रेसिंग वो बताया है मैंने आज उनको, एंड 5-6 दिन की क्लास है सिर्फ और बहुत यूनिक पीसेस बनने वाले हैं, यू कैन स्टिल ज्वाइन। सी अब हम जा रहे हैं, एवरी टाइम यू यूज क्ले नाउ उसको, मैंने जैसे अभी यही क्ले यूज किया वो थोड़ा ड्राई हो ही जाता है उतने देर में, सो टाइम मैंने इसको फिर से नीड किया अच्छे से। हाँ राजीव, दंडी तेल बनाने की कोई खास वजह थी मेरे पास, सीधे सब ना अलग अलग शेप में बनाई है ये देखिए, क्योंकि मुझे ना वो जो हमने वास बनाया था मुझे यहाँ पे नेम प्लेट पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने वास जैसा बनाया है, आई ट्राइड टू गिव इट अ लुक लाइक अ फ्लावर वास, तो फ्लावर्स में तो सीधे सीधे फ्लावर्स नहीं होंगे, थे बहुत आड़े टेढ़े होंगे, दैट्स व्हाई मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे दंडिया टेढ़ी और सीधी बनी है। सो हाँ आई वॉज, एवरी टाइम यू टेक क्ले नाउ उसको कंडीशन करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से नीड कीजिए उसको, एंड देन सी अगेन गोला, फिर उसको आपने ऐसे ऐसे किया। थैंक यू नीलम जी, ये देखो ये ऐसे बल्ब जैसा बन गया पीछे में, ऐसे पिन पॉइंट तो नहीं बनाया एकदम ज्यादा, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पिन पॉइंट बनाएंगे तो बर्ड अच्छा नहीं लगेगा। एंड जो अपर साइड है मैं बड़ा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखे, आप लोगों ने छोटे बनाने तो आप ऐसे ही छोटे बना सकते हो। सी ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको हाफ किया मैंने, ये देखिए दिख रहा है, आप चाहो तो ऐसा भी बर्ड रख सकते हो, आप इसके ऊपर एक वो कर दीजिए। थैंक यू संगीता जी, सो दिस इज, ठीक है, इसके ऊपर आप लीव्स कवर कर सकते हो, एंड अगर 4 पेटल्स का बनाना है तो इसको और हाफ में कट कर दो ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा एक और बर्ड, सो और उसके अलावा तो सिर्फ ये बनाए हैं, तो ये तो आपने पता ही है कि ये मैं इसका ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ, इस आप आर्थिक क्रिएशन पॉइंट में जब जाओगे तो यू विल गेट द वीडियो टू मेक सच कांटेदार फूल ऑल्सो, कांटेदार फूल बनाने के लिए आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएंगे। सो डू मेक एंड इस टाइप के भी वहां पर सिखाए हैं मैंने, तो इसका एक दूसरा पैटर्न है वो सिखाया है, तो सेम तरीके से ये भी बने हुए हैं। सो दिस वे नाउ गेट बैक टू स्टिकिंग,
जो भी शेयर कर रहे हैं एंड देन आप इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। और मुझे ना पता चल जाता है शेयर होता है या नहीं होता है, सो सच सेटिंग इज देयर इन द ग्रुप, एवरीवन हैव सच सेटिंग। सो ओके आई एम डूइंग ग्लू हियर। नीलम जी पुशी वन का ना मैंने काफी पहले में एक वीडियो शेयर किया है, आप आरती क्रिएशन पॉइंट में देखिएगा। ये बुशी वन के लिए ना कोई टूल्स नहीं चाहिए होते हैं। ओके आई विल शो यू, बहुत छोटा सा मैं एक बना के बताती हूँ आपको। और उसमें बहुत सारे टूललेस फ्लावर्स मैंने शो किए हैं कि आप कैसे विदाउट टूल्स को यूज किए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स बना सकते हो। आई विल मेक अ स्मॉलर वन। बहुत इजी है और कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठ के हमने क्ले भर बनानी है और जो मन किया वो बनाना है। सी ये है, कुछ तो भी आपको बेस चाहिए होता है तो आप टूथपिक भी ले सकते हो। आई एम टेकिंग टूथपिक हियर अगेन। हेलो चाना जी, एंड इसको राउंड कीजिए, राउंड ये देखिए ओवल शेप में किया है मैंने थोड़ा सा। So this way you can do it and fix kiya. After fixing what you have to do, isko roll out kijiye thoda thoda. Haath mein rakhke aise bhi aap kar sakte ho. एक बार नीचे में पक्का fix कर लीजिए नहीं तो निकल जाएगा। And always apply little bit of fevicol लगाइए ताकि वो निकलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। और ऊपर से ना इसको ऐसे पिन पॉइंट करिएगा, ये देखिए ये है, मैं इसको और ऐसे ऐसे करते जा रही हूं ताकि वो अच्छा सा पिन पॉइंट हो जाए। ऊपर में हमको राउंड चाहिए ऐसे, ये शेप में आपका बन गया। देन यू जस्ट हैव टू टेक अ सीजर एंड मैं ट्राई करती हूँ, ऐसे मुझसे होता है क्या, होप आप देख पाओ। बस ऐसे सामने का ही लेना है, बहुत अंदर से नहीं, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये हो गया ना एक राउंड। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, ये जो दो है ये एक है और ये एक है, ठीक है, इन दोनों के बीच से ऐसे सीजर चलाओगे। सी इन दोनों के बीच से, देन अगेन थोड़ा पास, फिर एक बीच से, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा बीच से। पहली बारी दूसरी बारी अगर आप बनाओ तो ऐसा हो सकता है कि वो कट के बाहर आ जाए, अगर एक दो कट रहे तो इतने सारे इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा कट रहे तो यू नीड टू मेक अनदर वन, उसी क्ले को फटाक से यूज कीजिए और आप ऐसे ही कट कर करके ये देखिए नीचे से आ रहा है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं बनाना है तो आप इसको राउंड शेप में बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। ये ऐसे ही बन गया हाथ में ये पकड़ने के लिए, एंड ट्राई कट, स्टार्ट कटिंग, वन, मैं जल्दी जल्दी काट रही हूं थोड़ा। जो नए लोग जुड़े हैं वेलकम टू आरती क्रिएशन। सेम प्रोसीजर है, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, ऐसे आप कट कर जाइए धीरे धीरे।
सी इस तरीके से बना सकते हो आप। एंड इसको डाई कलर में बनाने का तरीका भी मैंने बताया है इसके पहले, तो आप लोग प्लीज जाके वो वीडियो भी चेक कीजिएगा, फ्लावर मेकिंग विदाउट टूल्स है। नहीं मीनाक्षी जी, आई एम नॉट यूजिंग मोल्डेड, मोल्डेड्स में हम कलर कहाँ डाल पाते हैं। सो ये कोल्ड पोर्सिलिन क्ले है और इसका रेसिपी मेरे पेज पे मैंने शेयर किया है। सो दिस वे अगर आपने इसको डाई कलर में बनाना है तो इसका भी तरीका मैंने बताया है अपने पेज पे, तो आप वो वीडियो जाके कर सकते हो, उसमें और भी बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टिकिंग एंड स्टिक करते वक्त एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आपका अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी क्ले भी यूज कर सकते हो। लाइक कभी कभी होता है ना कि अब मान लो मेरा ऐसा है तो इसको पीछे में तो कोई है नहीं, सपोर्ट नहीं है, इधर आई हैव टू स्टिक इट लाइक दिस अगर मुझे स्टिक करना है तो। अगर मुझे इसको ऐसे स्टिक करना है, खड़ा ऐसे ही स्टिक करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, नीचे थोड़ी सी क्ले लगा सकती हूँ यहाँ पे एंड ऐसे उसके ऊपर मैं फिक्स कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ जी चांदना जी, मेरा घर में बना हुआ क्ले है और आप लोगों के साथ बनाया हुआ ही क्ले है। तो आप बिल्कुल रेसिपी चेक कीजिएगा मेरे पेज पे, मिलेगी आपको। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, जिन लोगों ने क्ले स्टोर करनी है प्लीज डोंट ऐड एक्रिलिक कलर, बहुत दिनों तक अगर स्टोर करनी है तो। आई थिंक आई ऑल्सो नीड टू यूज द क्ले, सो आई एम यूजिंग, आई हैव दैट कलर ऑन माय, ओके हैव। I'm using this small amount of clay. नहीं श्रद्धा जी, मैं मार्केट में जो क्ले आता है वो नहीं यूज कर रही हूँ, मैं अपना घर में बना हुआ कोल्ड पोर्सिलिन क्ले यूज कर रही हूँ, जिसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है पेज पे। सो नहीं चिपक रहा था मेरा, लेकिन अभी देखिए क्ले से ना वो एकदम फिक्स हो जाता है। सो दिस इज द अनदर वे कि आपका अगर कोई चीज नहीं चिपक रहा है, क्योंकि हम जब फ्लावर बनाते हैं तो उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे कर्वी और वेवी बनाते हैं, प्लेन नहीं बनाते एकदम, वो कर्वी वेवी तो चिपक नहीं सरा। सो यू कैन यूज लिटिल अमाउंट ऑफ क्ले, सेम कलर की क्ले यूज कीजिएगा। अगर आपने मोल्डेड से बनाए हैं तो फिर मोल्डेड को ड्राई होने के बाद कलर कर लीजिएगा, दैट कैन ऑल्सो बी डन। और एक और इंटरेस्टेड बनाए हम तो इंटरेस्टेड टू मेक, आप मुझे ग्रुप जो है मेरा उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, एक और नेटलेट बनाएंगे हम उस ग्रुप में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज ज्वाइन कीजिए वो ग्रुप, वहां पर मेरे सारे लाइव्स और सारे चीजों के अपडेट्स होते हैं। श्रद्धा जी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहां पर भेज दूंगी क्ले बनाने की लिंक, व्हाट्सएप कीजिएगा। देख पा रहे हो आप लोग,
साक्षी जी आर्थिक क्रिएशन पॉइंट बोल के ग्रुप है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल सेंड यू द ग्रुप लिंक एज वेल। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी अभी वीडियो के ऊपर, तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको ग्रुप लिंक भी सेंड कर दूंगी। थैंक यू कल्पना जी, हाउ आर यू? ये भी क्लास मैंने स्टिक कर दिए है, अगर काम पसंद आ रहा है तो कभी देख। और बहुत छोटे बर्ड से तो आई एम टेकिंग दिस अमाउंट ऑफ क्ले, इतनी छोटी क्ले लेनी है आपको कि वो आपके फ्लावर के नीचे दब भी जाए। अगर दिखे तो कलर करना, लेकिन अगर ना दिखे तो बहुत अच्छी बात है, काम डबल होने से बच जाएगा। लाइक आई हेट कलरिंग आफ्टर फिनिशिंग माई पीस, सो मैं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले ले रही हूं एकदम। हेलो गुंजन जी, वेलकम टू द ग्रुप। हाँ जी निशा जी, वीडियो होने के बाद मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। दोज हु वॉन्ट टू ज्वाइन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का क्लास है, और वो जैन मंत्र का भी एक क्लास है, मैंने बताया था पिछली बारी, मैं डिजाइन तो नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि मेरा खुद का वो ट्रांसपेरेंट शीट पे था तो इट वॉज नॉट विजिबल, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। बहुत ब्यूटिफुल डिजाइन है एंड ऑल इन वन प्रोजेक्ट होने वाला है वो, बिकॉज इट हैज ऑल द थिंग्स नो, क्ले वर्क है, फॉइल वर्क है। आई हैव टेकन एमडीएफ में नक्शी, लाइक आई जस्ट टुक इट कैजुअली, ऐसे ही मैंने बना लिया आप लोगों के लिए, और मेरे घर भी नेम प्लेट नहीं लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो ऐवे बना लेते हैं। किसी ने कल मुझे ना साइज पूछा एंड आई वॉज नॉट नोइंग, तो मैंने तब गिना उसका साइज कि क्या है करके, तो मुझे लग रहा है फूल थोड़े से मुझे शायद कम पड़ रहे हैं। आप लोग बताइए, इतने ही अच्छे दिख रहे हैं कि और लगाने चाहिए? तो फिर मैं बनाऊंगी कल। हम लोग ना गुंजन जी नेम प्लेट बना रहे हैं, सो सी शुड आई मेक सम मोर और दिस मच इज सफिशियंट? थैंक यू जयपिका जी, आपकी भी बहुत सुंदर है, बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से आपने क्रैकल इफेक्ट दिया है।
एंड वास की जगह आपने फ्लावर बनाया है। हाँ जी बिल्कुल, मैं थोड़े से और लगाऊंगी, मैं भी वही सोच रही थी एक्चुअली कि कम लग रहे हैं करके तो बनाने पड़ेंगे ना, लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग, सो मैं बनाऊंगी बिल्कुल और डेफिनेटली लगाऊंगी इस पे, मुझे भी लग रहा है कि थोड़े और लगाने चाहिए करके। एंड दिस साइड भी हम थोड़ा थोड़ा स्टिकिंग कर लेते हैं अब। अंदर में इसके कैसे दिख रहा है क्या आपको, बहुत हल्की सी क्ले लगाई थी टू गिव इट अ कॉबिकल शेप। मैंने बताया था या तो आप क्ले लगा लो या तो आप कार्डबोर्ड लगा लो, जो आप मन करे जितना भी आप वैसे लगा सकते हो। सो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे फ्लावर्स कैंडिया जो अभी सूख चुकी है बेचारी, त्रास देने शायद थोड़ा सा त्रास देंगी। ओके कल्पना जी बोल रही है कि इनफ है करके, बिल्कुल थैंक यू गुंजन जी, कम ऑन, ऐसा कोई चोरी तो नहीं कर सकता किसी का, बट अच्छा लगता है कि हम कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं एंड यू आर मेकिंग एंड एट द सेम टाइम शेयरिंग, जब शेयर करते हो तो अच्छा लगता है। ऑल दोज हु आर वॉचिंग, इट्स अ रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ कि अगर आप कुछ देख के सीख रहे हो तो प्लीज ग्रुप में पोस्ट करिए, बाकी लोग भी शायद उसको देख के मोटिवेट होंगे और क्राफ्टिंग करेंगे। यू नो आई थिंक क्राफ्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर, मुझे लगता है कि क्राफ्ट जो है वो स्ट्रेस बस्टर है। सो सी क्या पता आपके एक पोस्ट करने से बाकी लोगों भी मोटिवेट हो जाए और क्राफ्ट करने लगे। मैं ना अंदर थोड़ा सा क्ले डाल रही हूँ, थोड़ा सा अंदर, ताकि एक तो थोड़ा मिट्टी वाला भी वो आ जाए और शायद मेरी डंडिया भी बहुत अच्छे से लग जाए। थोड़ी सी फिक्स हो जाएंगी तो पक्की हो जाएंगी एकदम, बिकॉज आफ्टर ड्राइंग कोल्ड पोर्सिलिन बिकम्स वेरी हार्ड, बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है वो। एंड मैंने थोड़ा सा फेविकॉल डाला है अंदर गैप में से एंड ये देखिए क्ले, और मैं इसको टूल्स ऑल्सो, लीव्स अच्छे लगेंगे बिल्कुल कल्पना जी, मैं ट्राई करके देखती हूँ। सी मैंने फिक्स कर दिए यहाँ पे, सो अभी मैं यहाँ पे ये डंडिया लगा देती हूँ थोड़ी थोड़ी। वैसे तो आप ऐसे भी स्टिक कर सकते हो बिकॉज आप कुंदन वगैरह तो चिपकाते हो फेविकॉल से एंड ऐसा कभी होता नहीं जनरली कि कुंदन एकदम आपने चिपकाया और निकल गया। हेलो कोमल जी, हाउ आर यू,
जैन जो मंत्र की क्लास है वो भी हमारी वेंसडे या थर्सडे से वगैरह स्टार्ट हो जाएगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो. मैंने खुद नहीं अरेंज किया था बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, तो मैं लगा रही हूँ, शायद अच्छे ही दिखेंगे. थैंक यू कोमल जी. थैंक यू सरिता जी. मैं अभी ना ग्लू भी नहीं लगा रही हूँ, सिंपली क्ले में अंदर घुसा ही अंदर प्रेशर लगा के थोड़ा कर रही हूँ सो दैट वो फिक्स हो जाए. और एल्स I feel like changing, so I can change also. मैंने ऐसे लेकिन आप और भी खूबसूरती से अरेंज कर सकते हो. और लीव चिपक जा बेटा, बोल रहे कि मुझे फेविकॉल चाहिए एंड आई एम लाइक कि नहीं दूंगी. ओके सी, दिस वे यू कैन गेट अ वास फ्लावर्स. This side I have used only flowers like a jhar and ये नाम नाम पे जो है मैंने copper foil use किया है. So you can use copper color also. Thank you मीनाक्षी जी, thank you कोमल जी, thank you वंदना जी. आप copper color भी use कर सकते हो acrylic, लेकिन foil का तो foil का finish होता है, ये मेरे personal opinion है. So I have used this foil here and ये रहा आपका नेम प्लेट. बिल्कुल घर में आप हार्डबोर्ड पे भी बना सकते हो क्योंकि इस पे हमने कोई हार्ड चीज नहीं यूज की है जो हार्डबोर्ड को आपके बेंड करे. लाइक मैंने सिंपली इमल्शन लगाया था फॉर द स्मूथ बेस और बहुत थोड़ा सा लाइक एक जो होता है ना मोल्डेड का, कहाँ गया मोल्डेड का बॉक्स, आई डोंट नो कि ये मोल्डेड कितने में आता है क्योंकि मेरे पास तो बिग बॉक्सेस है. तो आई एम हैविंग दिस, इतने स्लैब में आपका सब कुछ बन जाएगा क्योंकि फ्लावर्स तो आपने कोल्ड पोर्सिलिन से बनाया है तो आपको बनाना ही कैसे, ये बनाना है, ये बनाना है दंडी, ठीक है. तो ये आपका इसमें बन के बच भी जाएगा
तो कितना ही खर्च आएगा आपको, बहुत कम। और नाम लिखना है वो डेफिनेटली इसमें हो जाएगा। और कोल्ड पोर्सिलिन का तो मैंने बताया ही है कि आप घर में ही बना सकते हो। सो ओके, हैव यू सो सी दीज आर दी, उस दिन मैं नहीं दिखा पाती। यस ये है, अगर आप देख पा रहे हो तो। हेलो प्रजापति जी, ये देखिए ये है। इनमें बहुत सुंदर, बहुत एक्सक्लूसिव पीसेस बनने वाले हैं, ये रॉयल पीसेस बनने वाले हैं एकदम। पांच इंस्ट्रूमेंट्स का सेट है ये, ये वीणा और ये क्या है, तबला आई थिंक, करेक्ट ना? सो दिस इज तबला, दिस इज ढोल ताशा एंड दिस इज शहनाई। बहुत सुंदर बनने वाले हैं, इसमें बहुत बारीक काम होने वाला है और बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाले हैं ये पीसेस। मीनाकारी भी होगी इसमें। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, इसमें एक और है इसके साथ, ये पांच इंस्ट्रूमेंट का सेट। इफ यू वांट टू मेक ओनली टू, यू कैन मेक टू ऑल्सो, मेक वन ऑल्सो। एंड ये आई एम टेलिंग दिस अगेन, बनवा सकती हूँ। सी दिस वन आई हैड पोस्टेड यस्टरडे ऑन माय पेज, आई मेड वन कॉल्ड माय किड्स लव डॉग्स एंड आई हेट देम। आई एम लाइक, तुम्हारा ही काम नहीं होता, कुत्ते का कैसे करूंगी घर में। सो दे वर लाइक, मम्मा ठीक है आप इतना क्ले का काम करते हो, क्ले से ही कुछ बना दो हमको। सो आई वाज ओके, तो ये जस्ट अ शॉर्ट स्मॉल प्रोजेक्ट, इट इज मेड विद मार्बल क्ले ओनली। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइए कैसा लगा। मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी बनाया है, अगर मिस्टेक्स हुई है तो वो भी बता सकते हो, अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हो। सो दिस वन इज अनादर क्ले प्रोजेक्ट है, ये पूरा क्ले में बना हुआ है, मार्बल क्ले यूज किया है इसमें। एंड यस, अगर मैं फ्री क्लासेस में, थ्री सेशन में अच्छे से बता सकती हूँ तो आई हैव अ कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट यू मस्ट हैव ऑल्सो, कि पेड क्लासेस में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। सो हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड ईच एंड एवरी स्टेप विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। लाइक यू कैन सी ना, मेरी ज्यादा बात करने की आदत है शायद, मेरे को पूरा बताया अगर होता ही नहीं। सो दैट मे बी द रीजन कि डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिए अगर आपने करनी है तो, बहुत अच्छी क्लासेस है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत रीजनेबल प्राइसेस भी है। और फॉर मोर वीडियोज यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप एजुकेशन पॉइंट, आप व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है मैंने वहां पर वीडियो के ऊपर, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके ग्रुप का लिंक देख सकते हो। एंड चलिए फिर, थैंक यू कल्पना जी। एंड यस, नेक्स्ट नेम प्लेट सेशन हम और लेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू देवी। सो तब के लिए बाय बाय।